नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है व्यर्थ पर। हम इस वीडियो में जानेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म, कहां पर डेवलप हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म, टर्म किसने कॉइंड किया, इंडिया में कब आया और किनका हाथ था इसको इंडिया में लाने में, तो आइए जानते हैं। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म डेवलप होता है यूएसए के अंदर और इस टर्म को कॉइन करने वाले थे आर्थर शेल्सिंगर जूनियर। यह कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर 1970 के दशक में और इसका फाउंडेशन रखते हैं जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, पी एन भगवती, ओ सी रेड्डी, डी ए देसाई। अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकल कर आता है कि जुडिशरी कितना प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है एक सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम देखें तो दूसरा अर्थ ये निकलता है कि कितना प्रमोशन हो रहा है जस्टिस का सोसाइटी के अंदर, और इसको हम जुडिशियल डायनामिज्म के रूप में भी जानते हैं। ये हेल्प करता है प्रोग्रेसिव और न्यू सोशल पॉलिसीज के लाने में, जिससे सोसाइटी में रहने वाले सभी सदस्यों का भला होता है। ये प्रोटेक्ट करता है, एक्सपेंड भी करता है इंडिविजुअल के राइट्स को और डिपार्ट कर जाता है जो एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट होते हैं। अगर हम देखें तो PILB का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक आउटकम है जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब जानते हैं जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म एक फॉर्म है जुडिशियल रिव्यू का, और जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंदर जो है हम निकाल सकते हैं, वहां से इसका अर्थ निकलता है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, जो जजेस होते हैं ना, वो अपहेल्ड करते हैं या तो लोगों को या फिर इनवैलिडेट करते हैं, साथ में ये क्या करते हैं, लो भी बनाते हैं। तो ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर। जुडिशियल रिव्यू में लो नहीं बनता, खाली या तो अपहेल्ड किया जाता है लोगों को या फिर इनवैलिडेट किया जाता है लोगों को। अगर हम देखें तो हमें जरूरत क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म की। देखिए, सबसे पहले लोगों का भरोसा मेंटेन करना डेमोक्रेसी के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत है। प्रोटेक्ट करना राइट को, फ्रीडम को, सोशल रिफॉर्म करना, लेजिस्लेटिव वैक्यूम को दूर करना। जो हंग लेजिस्लेचर होता है ना, कई बार हंग लेजिस्लेचर में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाती है, तो इसमें आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जो जजेस होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, कई बार टैकल किया जाता है अल्टीरियर मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट कि वो चीज असली में करने लायक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पॉपुलिज्म की वजह से वो चीज कर रही है, तो इसको टैकल करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज हुआ था। जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना गवर्नमेंट की, उसको टैकल करने में जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज होता है। आइए जानते हैं एप्रीहेंशंस क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर। देखिए, सबसे पहला है आइडियोलॉजिकल फियर कि कहीं जुडिशरी उसप तो नहीं कर लेगी दूसरे ऑर्गन की पावर। दूसरा है एपिस्टेमिक फियर कि इसके अंदर कहीं जुडिशरी को इनफ नॉलेज है या नहीं है जिसके बारे में वो डिसीजन ले रहा है। तीसरा फियर निकल कर आता है मैनेजमेंट फियर, अरे जुडिशरी के पास पहले ही इतना एरियर है, पहले ही इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उनको तो निपटा ले, कहीं ऐड तो नहीं कर रही है एरियर, कहीं केसेस पे केसेस ऐड तो नहीं कर रही है अपने पास, तो ये होता है मैनेजमेंट फियर। चौथा है लेगिटिमेशन फियर, क्या जुडिशरी लेगिमेट है कि उस एरिया के अंदर डिसीजन लेने को। चौथा है डेमोक्रेटिक फियर, क्या PIL जो है नर्चर कर रहा है डेमोक्रेसी को या फिर डिप्लीट कर रहा है उस डेमोक्रेसी को, ये आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। बायोग्राफिक फियर कि जो इस जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज कर रहा है उसका सोसाइटी में रोल क्या होगा, किस हिसाब से सोसाइटी उस चीज को देखेगी, तो ये चिंताएं हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर। आखिरी टॉपिक आता है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये हो गया कि जुडिशरी जो है उसके पास रोल प्ले कर रही है वो कि लो बनाने के अंदर, और जुडिशियल रिस्ट्रेंट के अंदर ये है कि जुडिशरी का काम है खाली व्याख्या करे, कानून ना बनाए, कानून
लेजिस्लेचर बनाए, है ना। तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मीनिंग सिंपल सा है कि जो रोल है ना जजेस का वो लिमिटेड होना चाहिए। ओनली ये बताएं कि लो ये है, उसकी व्याख्या करें, लो ना बनाए, क्योंकि लो बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। और जुडिशियल रिस्ट्रेंट को सपोर्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट है ना वो नॉन इलेक्टिव है, उसे चुना नहीं गया है, अनडेमोक्रेटिक है, उसको लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है। सिंपल सी बात, जो लोगों के द्वारा चुना गया है उसी को ये अधिकार है लो बनाने का। जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली जो बोलते हैं ना वो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर आर्टिकल 13 के अंदर है, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन का पावर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भी बोला था कि सेपरेशन होना चाहिए, जैसे कि मोंटेस्क्यू ने भी बोला था। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। देखते रहिए वियर। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।